हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ भारती और वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक और आपके लिए स्वेटर का निटिंग में डिज़ाइन लेकर आई हूँ, तो आई होप आपको मेरा आज का ये डिज़ाइन भी पसंद आएगा। तो ये इस तरह का कुछ डिज़ाइन बनेगा और ये इस टाइप की थोड़ी शाइनी सी मैंने वूल ली है और ये बनकर काफ़ी अच्छा बनना है। और 10 नंबर की मैंने सिलाई यूज़ की है, नीचे बॉर्डर बनाया है और उसी 10 नंबर से मैंने ऊपर इसका डिज़ाइन बनाया। आप चाहो तो 12 ऊपर जो है 12 नंबर का बॉर्डर और ऊपर आप 10 नंबर की सिलाई से स्वेटर में बना सकते हो, तो जिससे कि डिज़ाइन अच्छा बनेगा और आपके स्वेटर का जो डिज़ाइन है उभर कर आएगा। तो ये वूल जो है इस टाइप की है। और चलिए फिर अब शुरू करते हैं, ये डिज़ाइन जो है मैंने कैसे बनाया है तो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बॉर्डर बना लिया है आपको, ताकि डिज़ाइन जो है अच्छे से नज़र आए। तो ये जो सिलाई है 10 नंबर की सिलाई है, और चलिए मैं आपको बताती हूँ ये आपने डिज़ाइन कैसे बनाना है। सबसे पहले ये बहुत इजी डिज़ाइन है, तो मैं यहाँ पर सीधा बुनूँगी। सीधा बुनने के बाद धागा हमने आगे करना है, उसके बाद फिर से अगले फंदे को भी सीधा बुनना है, फिर धागा आगे करना है, फिर से सीधा धागा आगे, सीधा धागा आगे, सीधा। तो इसी तरह से हमने बुनते जाना है, सारे फंदों में हमने धागा आगे करके सीधा बुनते जाना है। तो ये जो फंदे हैं आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितनी आपकी स्वेटर आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सीधा धागा आगे, सीधा धागा आगे, सीधा। तो सीधी सिलाई पर हमने ये करना है। ये जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा बनता है, जालीदार बनता है। तो आप इसको अपने जो मफलर होता है या स्वेटर होता है बच्चे का, कैप, और जेंट्स की जो विदाउट स्लीव स्वेटर होती है उस पर भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसको बॉर्डर पर भी डाल सकते हो, तो ये बना हुआ काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं देखिए, धागा आगे और सीधा, ये बहुत इजी है। अगर आपने नया नया बुनना सीखा है, सिलाइयाँ नीटिंग आपने नई नई सीखी है, तो आपके लिए ये डिज़ाइन जो है बहुत इजी होगा और ये बनना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने अपनी सीधी सिलाई जो है कंप्लीट कर लेनी है। तो उल्टी साइड से कैसे बुनना है वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। इस तरह से हमने अपनी सीधी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो लास्ट वाला फंदा भी हमने धागा आगे करके इस तरह से बुनना है। तो अभी हम आते हैं उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर हमने क्या करना है, सारे जो फंदे हमने इसमें बढ़ाए हुए हैं, एक एक फंदे के बाद एक फंदा हमारा जो है बढ़ चुका है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने दो फंदों का एक फंदा करते जाना है। तो अभी यहाँ पर हमने फंदे घटा देने हैं। देखिए, मैंने दो फंदे लिए और उनको एक कर दिया, दो फंदे लेकर एक कर दिया। इसी तरह से हमने सारे फंदे जो है बुन लेने हैं, दो फंदे लेने हैं, फिर उसके बाद उसको एक कर देना है। तो इसी तरह से हमने ये अपनी सारी सिलाई जो है बुन लेनी है। ये डिज़ाइन जो है बहुत इजी है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत इजी है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो नया नया बुनना सीखते हैं तो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो ये डिज़ाइन जो है, अगर आप नए हो, अभी तक बुनना शुरू किया है, अभी सीखा ही है, तो ये डिज़ाइन जो है आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बुनकर इसका पैटर्न दिखा देती हूँ कि इसका जो लुक है कैसा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा डिज़ाइन जो है पूरा मैंने कर लिया है। ये डिज़ाइन बनकर कुछ इस तरह से आएगा।
तो बहुत इजीली ये बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे इस पे केबल से बन जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे, और बीच में ये जाली भी बन जाती है। तो जब ये पूरा स्वेटर खुल जाएगा तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। और इसकी बैक साइड से भी इस तरह का डिज़ाइन जो है बन जाता है। तो ये डिज़ाइन जो है आप स्वेटर पर डालें या फिर कैप पर, ये बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।